जय हिंद मेरे सभी देशवासियों भाइयों, राम राम सभी ड्राइवर भाई भारत के जहां पर भी हैं, जिस ग्रुप में भी हैं, वो चाहे बस ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, या जो भी ड्राइवरी का काम करते हैं, किसी कोठी में गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जो भी करते हैं, सभी भाइयों का मेरा राम राम। मैं राजीव यादव भाई एक नई वीडियो के साथ। देखो भाइयों, 2019 सितंबर तक ये जो अपना नया व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तभी हाथ जोड़ के कहूँगा कि सर जी, कम से कम कुछ तो रहम करो ड्राइवरों पर। सर एक बात तो, जो 24 घंटे दिन में रात में गाड़ी चलाएगा, वो कहीं ना कहीं तो गलती भाई साहब करेगा ही, और भाई जी जब गलती करेगा तो 25-25 हज़ार के चलान कटेंगे। मालिक आप ये देखो, आपके देश में बेरोजगारी कितनी है। एक पढ़ा लिखा युवा देश में ड्राइवरी कर रहा है। सर पहले अनपढ़ करते थे, आपके राज्य से पहले, आपकी सरकार से पहले अनपढ़ ड्राइवरी करते थे, पढ़े लिखे तो रोजगार करते थे। सर मार्केट का हाल इतना बुरा है कि पहले ट्रांसपोर्ट वाला बैठ के देखता था कि कोई गाड़ी वाला आए। आजकल आपके GST और नोटबंदी की वजह से देश की सारी तो फैक्ट्रियां बंद होंगी साहब। अब ट्रांसपोर्ट में बैठ के ड्राइवर देखते हैं कि कोई भाड़ा आए। सर जी मतलब आपकी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं एक आम नागरिक हूँ, एक आम नागरिक होने के और एक युवा होने के नाते अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, जो नागपुर से सांसद हैं, मैं अभी प्रेजेंट में नागपुर में ही बैठा हूँ। सर आप एक चीज़ देखो कि आपकी सरकार आने से पहले ना ट्रांसपोर्ट वाले देखते थे कि कोई गाड़ी वाला आए, भाड़ा रखा है। सर आज भाड़े नहीं मिलते। आज तक 5 साल पहले मैं बेंगलोर तक 17 फुटी कैंटर का भाड़ा दिल्ली का 36 हज़ार में ले गया था साहब। आज आपकी सरकार के ज़माने में ना 15 दिन गाड़ी खड़ी होने के बाद मैं भाड़ा 28 हज़ार का अलवर का ले जा रहा है ड्राइवर। मालिक कुछ तो रहम करो, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इनकी गाड़ियों की किस्त मालिकों तक निकालना भारी पड़ रही है भाऊ जी। ऊपर तक आपने ये 19 व्हीकल एक्ट लगा दिया सर, 25-25, 60-60 हज़ार के चलान कटेंगे, मालिक कैसे करेंगे? लोगों पर किस्त की गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही, प्लस ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं निकल रही साहब। जिस देश में ये नियम लागू है ना, उस देश की पहले सड़कें देखो, वहाँ के नियम देखो, कायदा कानून देखो। सर वहाँ पर 200 किलोमीटर तक ज़्यादा कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है। मालिक यहाँ 600 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया हूँ, हैदराबाद से MP में आ गया, सिवनी डिस्ट्रिक्ट सिवनी पड़ता है MP में। 600 किलोमीटर साहब एक दिन में जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा वो बाबूजी कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ही। मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, मेरा 3 महीने के लिए सस्पेंड लाइसेंस कर दिया साहब। 3 महीने बाद जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के नौकरी मिली 12 हज़ार की। पढ़ा लिखा युवा होने के बाद 12 हज़ार की देश में नौकरी मिली साहब। अब उसमें भी ये नियम लागू कर दिया साहब कि मतलब अब आपके भाई साहब यार आपने गलती करी तो आपको 12, 15, 25, 60, 65, 35 तक के चलान काट दिए जाएंगे। साहब जो आदमी 12 हज़ार की नौकरी करेगा वो 25 हज़ार का, 15 हज़ार का, 20 हज़ार का कहाँ तक चलान भरेगा साहब? मालिक 3 महीने घर बैठने के बाद, शादी हो गई है, बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, ठीक है, किसी रईस बाप का बेटा ड्राइवरी नहीं करेगा साहब? देश का कोई भी किसी रईस बिगड़े बाप की औलाद नहीं ड्राइवरी करेगी, किसी मजदूर का ही करेगा, किसी किसान का ही करेगा। बहन शादी के लिए है, 20-22 साल की होगी। सरकार यदि ऐसे ही आप बेरहम करेंगे तो इस देश में तो मुझे लग रही है कि अंधेर नगरी अनबूज राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ये तो वो वाली बात होगी सर कि गधों ने ना मिलके एक जंगल में बंदर को राजा बना दिया, और बंदर कभी इस डाल तक उस डाल पर, उस डाल तक इस डाल पर, इस डाल तक उस डाल पर कूद काद कर रहा। जब पब्लिक ने पूछा भाई कुछ काम धाम हो रहा है तो गधे बोले कि बेटे विकास में कोई काम में कोई कमी है ना, भाग दौड़ तो पूरी हो रही है। तो मालिक हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि कम से कम कमर्शियल वाहन वालों को तो छोड़ दो साहब। कमर्शियल वाहन किसी रईस बाप की औलाद नहीं चलाता, और मैं जानता हूँ देश में कोई भी कमर्शियल वाहन वाला इतना खुश नहीं है जो कि मतलब ऐसी गलतियाँ करता फिरेगा। शायद नियम की भी कोई सीमा होती है, ये तो अनलिमिटेड कर दिया, 1-1 हज़ार गुना बढ़ा दिया साहब। 1 हज़ार गुना पगार तो बढ़वा दो,
1,00,000 रुपए सैलरी होगी जब ड्राइवर को ये भर पाएगा, क्योंकि बाबूजी महीने में 30 दिन जिस बंदे ने गाड़ी चलानी है, ऐसा कोई सा भी काम बता दो जिस काम में बंदा जो काम करता हो उसमें कहीं ना कहीं दिन में गलती ना करता हो, एक काम बता दो बस कि बेटा ये काम ऐसा है तू गलत बोल रहा है, ये काम ऐसा है जिसमें बंदा कोई भी गलती करता ही नहीं है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो पेट्रोल पंप पे हो, चाहे वो ऑफिस में बैठा हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, चाहे किसी भी मंत्री नेता विधायक किसी भी यूनियन का काम बता दो सरकार या प्राइवेट कि दिन में 1 बार 2 बार गलती ना करता। और हमने तो जहाँ 1 बार गलती की 25,000 का चलान कट गया भाऊ जी, 12,000 रुपये सैलरी है, 28 दिन तक गलतियाँ बचाते रहे 29 दिन भी बचा, 30वें दिन पता चला महीने की सैलरी मिलेगी और 25,000 का चलान कट गया भाऊ जी उस दिन। मालिक कुछ तो इस देश के गरीब ड्राइवर भाऊजी गरीब आदमी का ही बेटा कोई ड्राइवरी करता है, मालिक किसने भांग खाई है जो अपने घर से 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर दूर रोड पे सोएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हमारा सोने का क्या होता है, ये सर देख रहे हो ना, ये हमारे केबिन है और इसी केबिन में हम लोग लेटते हैं, इसी में खाना, ये कपड़े, ये अंडरवियर है, ये रहा गमछा, सर यही हमारा परिवार है और यही हमारी रोजी रोटी है साहब। इस केबिन के अंदर बंदा ढंग से करवट नहीं बदल सकता, किसी रईस बाप का बेटा इस केबिन में सोएगा? हाँ जी सर, इस केबिन के अंदर किसी रईस बाप का बेटा नहीं सोएगा साहब, सोएगा तो किसी गरीब का ही सोएगा ना मालिक है। अब आप ये बताओ जिस बंदे को 12,000 सैलरी मिलती हो उसका 25,000 का चलान कट जाए, मैं देश के मेरे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जज हैं मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि सर इस कानून को लागू मत होने दो, कितने गरीब मरेंगे साहब। तीन मेरे पास लाइसेंस अभी रखा है, 3 महीने का मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया साहब, मैं 3 महीने गाड़ी नहीं चलाई, अब 4th महीने में गाड़ी मिली तो ये कानून लागू कर दिया साहब। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, माँ बाप को क्या खिलाएं, अपने परिवार को क्या खिलाएं, कहीं रोजगार तो दो, पहले 1,00,000 की नौकरियां तो दो, तब तो बाबूजी ये 25,000 का चलान भी भरते हमें दिल में दुख नहीं होगा। मैं नहीं, देश का किसी भी गरीब आदमी का कोई भी बंदा, देखो तीसरी पीढ़ी हर आदमी की बिगड़ती है साहब, हमारे ही बाप दादे पैसे वाले थे, वक्त किसी का पता नहीं होता कि कौन मजदूरी करेगा, जो लोग जो अफसर लोग जो लोग जो इस चीज़ को करवा रहे हैं उनसे एक बार हाथ जोड़ के कहूँगा कि साहब जरूरी नहीं है आपके भी परिवार में कभी आपका बेटा नहीं आपकी पोस्ट ले सकता, आपका पोता नहीं, उसके बाद तो आएगा ना कोई मजदूरी करने साहब, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, नीचे भी आता है साहब। तो सर और मैं देश के सभी पुलिस वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सर आप कम से कम बंदे की हैसियत देख के चलान करें, ये सरकार है साहब जो मर्जी करेगी, आप अपने दिल में थोड़ा रहम दया हो तो किसी गरीब आदमी को ना सताएं। देखो गरीब की दुआ बहुत बददुआ बहुत बुरी लगती है साहब, गरीब आदमी बहुत बुरी कुछ कह तो नहीं सकता है क्योंकि सरकार अब ऐसी आ गई है कि बेचारा कहेगा तो कहेगा क्या। ठीक है जी, आप लोग पढ़े लिखे हैं सर, आप नेता मंत्री तो है नहीं, आप अनपढ़ आदमी तो है नहीं, आपको पढ़े लिखे हैं, ये देश में सारे नेता अनपढ़ मंत्री अनपढ़ हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई नेता यदि देश का नेता होता तो ये चीज़ लागू नहीं होने देता कि भाई देश में पहले ये तो देखो सर, GST नोटबंदी बेरोजगारी 25-25 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं साहब, 25-25 दिन भाड़े नहीं मिलते, गाड़ियों किस्त निकालना भारी पड़ रही है सर। और उसके बाद में अब देश के अंदर ये नियम और लागू कर दिया सर, क्या ये मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में ही पैसा सबसे ज़्यादा दिख रहा है क्या, इससे ही अपने देश की DGP बढ़ जाएगी क्या? मैं तो बस देखो सर एक युवा हूँ, युवा के नाते कह रहा हूँ, ठीक है जी भाऊजी मजदूरी कर लूँगा कोई दूसरा काम कर लूँगा साहब, 3 महीने जहाँ दूसरा काम करा वो काम फिर कर लूँगा, भाई परिवार तो पालना ही है। और मैं नहीं, देश का इतना कितना गरीब बेरोजगार रोज जिनका चलान कटेगा 12,000-15,000 जिनकी सैलरी, 15,000 तक किसी की ज़्यादा सैलरी नहीं साहब, और आपको मैंने दिखा दिया हमारा सोने का और बैठने का कैसा है। मालिक कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो ए अन्नदाता, ये तो अंग्रेज जो 1947 में ना जो अंग्रेजों का लगान वसूला जाता था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा है गरीबों के साथ, क्यों गरीब का ही बेटा गाड़ी चलाएगा ट्रक चलाएगा, अमीर का तो चलाएगा नहीं भाऊजी, जो भी चलाएगा वो गरीब का ही बेटा चलाएगा, अमीर का बेटा चलाएगा नहीं, ये तो 1947 से भी ज़्यादा टैक्स वसूलने वाली बात हो गई जो अंग्रेज वसूलते थे, और काम ईस्ट इंडिया कंपनी जो करवाती थी ना उससे भी कई लोग गुना ज़्यादा हो गया। कोई भी बेचारा ओला उबर चलाने वाला ड्राइवर से पूछ लो 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद 400 रुपये नहीं बचते साहब। मैं ओला उबर नहीं चला रहा, मैंने तो छोड़ दी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब ओला उबर चलाने के बाद ना 18 घंटे काम करने के बाद भी बंदे को 500 रुपये नहीं बचते, और 500 जिसको बचेंगे नहीं और वो सिटी में कहीं ना कहीं गलती करेगा भाऊजी उसके 12,000-15,000 चलान कट जाएगा, कहाँ तक भरेगा? कम से कम कुछ तो रहम करो मालिक,
आप ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय नितिन गडकरी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और अपने अमित शाह जी हैं, सर कम से कम जनता की तरफ तो ध्यान दो। शायद जनता ने ना आपको दिल तक चुन के भेजा था सांसद में, दिल तक चुन के कि मतलब कोई हमारे देश के अच्छे अच्छे मतलब वो मिलेंगे, लेकिन सर नेता, लेकिन आपने तो सर जी गरीब आदमियों का बिल्कुल, जैसे वो मैंने एक मर्द फिल्म देखी थी उसमें ना गरीबों का पेंशन तक उसे सरंग था ना, मरने के बाद खून खींचते थे वो। सर आपके यहाँ तो खून खींचने में तो ही बेहतर है साहब, 25,000 का चलान, 12,000 की नौकरी, रोटी कहाँ खाएगा, खेत बेच के भी नहीं गाड़ी चला पाएगा साहब, या कोई मतलब जिसकी गाड़ियाँ वो भी जिसकी 40,000 की किस्त, 35,000 के भाड़े नहीं मिल रहे, 25,000 का चलान और हो जाए बाबूजी क्या करेगा वो। जैन दोस्तों ये तो मेरी बात अच्छी लगे तो पूरे देश में शेयर करें और कमेंट करें, नहीं तो भाई जिसको जैसा लगता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जाए।